आदरणीय दोस्तों आप पर हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल बलोच स्टूडेंट्स इंडिया पर क्या बोले देखते दोस्तों वीडियो फिर इसमें बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है पीपल्स टीवी का और इसका टाइटल है व्हाट बलोच स्टूडेंट्स थिंक अबाउट न्यू इंडिया एंड पीएम मोदी। इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई, चलिए देखते हैं बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं। आप मैं खुजदार से हूँ, खुजदार बलूचिस्तान। बलूचिस्तान से क्या करते हैं? स्टूडेंट है। जी हाँ स्टूडेंट है। किस डिपार्टमेंट से? हिस्ट्री डिपार्टमेंट के स्टूडेंट। हाँ जी हिस्ट्री डिपार्टमेंट के स्टूडेंट है। तो थोड़ा सा जैसे रियासत ऑफ कल्लार थी, ठीक है, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दें अगर आपको पता हो बलूचिस्तान की। रियासत ऑफ बात कर लेते हैं। रियासत ऑफ कल्लार जो है वो वजूद में आई थी 1410 में, ठीक हो गया, और उसमें मुख्तलिफ बलोच डायनेस्टीज़ ने गवर्नमेंट की थी, गवर्नमेंट में आए थे, जिसमें चाकर आज़म रिंद जो आपके पंजाब में आजकल उनका मकबरा है उन्होंने गवर्नमेंट की थी। उसके बाद जो अहमदज़ई ख़ानदान थी, अहमदज़ई डायनेस्टी थी, वो आए थे 17th century में, उन्होंने गवर्नमेंट की थी। वो एक कॉन्फेडरेशन थी, सरदारी सेटअप थी, कबाइल मुख्तलिफ कबाइल थे। उस टाइम जो बलोचिस्तान उसकी बात करें तो वो एक बहुत अमीर रियासत थी, ठीक है। आखिर क्या ऐसी एग्जांपल देता हूँ आपको, 1938 में बलूचिस्तान के जो किंग थे खाना मदियार खान, उसने सऊदी अरब के बादशाह को 1,00,000 pounds इमदाद दिया था। वहाँ पाकिस्तान को भी दिया था जब पाकिस्तान ने सोना रखवाना था, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उन्होंने तराजू में तोला था। एक तरफ सोने रखे थे, एक तरफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और एक तरफ उसकी बहन जो फातिमा जिन्ना थी उन्हें रखे थे। तो इसमें एक नवासा है किंग का, वो कहता है अगर इनकी वज़न थोड़ा सा ज़्यादा होता तो ये पूरे हमारे ख़जाने को खाली करते थे। अच्छा, तो इतने ज़्यादा सोने वगैरह पाकिस्तान की जो वर्ल्ड बैंक में अकाउंट थी उसे ओपन करने के लिए खाना मदियार खान। उस टाइम का जो बलूचिस्तान था उसने पाकिस्तान के लिए ये किया था, ठीक है। तो मुझे ये बताएं आज बलूचिस्तान की ऐसी क्या कंडीशन आ गई कि बलूचिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा, ठीक है, दहशतगर्दी भी होती है, वहाँ पर ऐसे इलाकों में गया हूँ कि जहाँ पर बच्चों के लिए पानी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, सेहत के निज़ाम कोई बेहतर नहीं है। मैंने पूरे बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पे हमें एक भी इंडस्ट्री नज़र नहीं आई। तो आखिर फिर ऐसी बलूचिस्तान की हालात कैसे हो गया, क्या कहना चाहेंगे एज आ बलोच स्टूडेंट भी और वहाँ के आप बलूचिस्तान से रहने वाले भी हैं, रिहायशी भी वहाँ के हैं। बलूचिस्तान की अगर सियासी सूरतयाल को देखा जाए या समाजी या तो फिर जो वहाँ के लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसे देखा जाए तो हम समझते हैं कि जो एक कॉलोनियल पीरियड हमारे हिस्ट्री में गुजरी हैं, अच्छा, तो उस कॉलोनियल पीरियड से भी बदतर नज़र आती है हमें बलूचिस्तान के हालात, बलूचिस्तान के जो हमारी अपनी रवायात थे, कबायली रवायात, जिसमें एक सरदार होता था और उस सरदार की हैसियत ये होती थी कि भाई वो माशरे का खैरख्वाह, माशरे का रहबर और अपने कबीले का वालिद समझा जाता था सरदार। अच्छा। अब जब 1947 के बाद जो सरदार की डेफिनेशन है वो चेंज हो गई, एक ज़ालिम जाबिर फ्रॉन के तर्ज पर आ गए हमारे सामने आ गए। मतलब अब कहा जाता है कि सरदार जो दबा के रखता है और शायद बच्चों को एजुकेशन नहीं हासिल करने देता। अब जो डेफिनेशन सरदार जो है, अब जो देखें फिर हम हमारे जहन में ये बातें आते थे कि सरदार जालिम जाबिर इस तरह के आ गए, लेकिन अब हम इस आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते गए चीज़ें, हमें सरदार भी हमारे तरह मजलूम नज़र आते हैं, बहुत मिस्कीन और मजलूम नज़र आते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि एट द एंड सरदार के हाथ में भी कुछ नहीं रहा, सरदार भी अभी उस लेवल पे नहीं। शायद भाई आपको कुछ रोक रहे हैं कि यार शायद आप ये बात क्या आप भी बता दें यार, कुछ बलूचिस्तान के ऊपर ही बात कर रहे हैं यार। भाई बता रहे हैं। अच्छा भाई बता रहे हैं, तो फिर आप उनको रोके ना, जो बात है वो करने दें आप उनको। मतलब ये है कि हमारी सोसाइटी जो है उसमें डेमोक्रेसी हो और सही तरीके से जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस है बिल्ड हो, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है हमारे बिल्डअप हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो बलूचिस्तान में, सरदार जो माशरे के अच्छे तबके हैं, सरदार हुए हैं या बड़े बड़े लोग हुए हैं, वो भी आजकल डिक्लाइन की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, उनके पैसे हैं वो इन्वेस्ट ही नहीं हो रहे बलूचिस्तान में, बाहर जाकर कराची में इन्वेस्ट करें कराची के वो हालात नहीं रहे, पंजाब में आके इन्वेस्ट करें पंजाब के वो हालात नहीं रहे। अब पूरे मुल्क में एक इकोनॉमिकल डिप्रेशन आ चुकी है, अब वो हम बलूचिस्तान वाले जो हैं अपनी मुल्क में बेअमनी की दावा करते हैं, कहते हैं भाई बदअमनी है और हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशंस है वो डे बाय डे डाउन होते जा रहे हैं, बड़े अमीर तबके के लोग भी अगर हम पूरे बलूचिस्तान की बात करें, ठीक है, वहाँ पे मैं बलूचिस्तान में विज़िट करके आऊँ, बड़ी मैंने विज़िट की है, अगर देखा जाए तो बड़े एसेट्स से बलूचिस्तान के अंदर, ठीक है, जैसे गैस या और बड़े ख़जाने थे कि शायद अगर इनको निकाला जाता तो शायद बलूचिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान का भी जो है वो कर्ज़ा उतर सकता था, शायद मुल्क तरक्की कर सकता था। तो क्या कहना चाहेंगे
इस तरह के ख़जानों के बावजूद भी बलूचिस्तान के अंदर ये हालात हैं कि बच्चों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता, हेल्थ के निज़ाम ऐसे हैं, बीमारियों की अगर बात की जाए तो बलूचिस्तान में हेपेटाइटिस की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा है। तो क्या समझते हैं, क्या हेपेटाइटिस है, कैंसर की बीमारियाँ हैं और दूसरे बीमारियाँ हैं डे बाई डे, और हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है वहाँ पर, और कैंसर हॉस्पिटल एक भी बलूचिस्तान में नहीं है। तो लोग कैंसर से ज़्यादा मर रहे हैं, और 1998 के बाद जो मतलब हेल्थ इश्यूज़ है उनमें सबसे प्रोमिनेंट कैंसर का है, कैंसर की बीमारियां ज़्यादा हो रहे हैं। अब ये है कि बलूचिस्तान को अगर सही तरीके से मेंटेन किया जाए, उसमें जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग को मेंटेन किया जाए, वो प्रॉपर फंक्शन करें, हम तो दो चीज़ों के हमें बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं और जिससे पूरे पाकिस्तान मुस्तफ़ीद हो सकता है। हम दो चीज़ों की अगर बात, जितनी रिपोर्ट्स आती हैं बलूचिस्तान से, पाकिस्तान की भी या इंटरनेशनल भी, वो बड़ी डराने वाली होती हैं। वहाँ के बच्चों का कोई भविष्य नहीं है, वहाँ पे आज भी पीने का पानी ऐसा है कि आपको गड्ढे से निकाल के पानी पीना पड़ता है। स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ मैं, गड्ढे से निकाल के पानी पीना पड़ता है वहाँ पे, ज़्यादातर लोग ऐसे पानी पीते हैं, और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा बीमारियाँ, गंदे पानी की वजह से होने वाली जो बीमारियाँ होती हैं उसका भी स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ मैं, सबसे ज़्यादा बीमारियाँ बलूचिस्तान के लोगों में हो रही हैं, सबसे ज़्यादा मौतें उनसे हो रही हैं, डायरिया, हैजा सब फैल जाता है क्योंकि पानी गंदा पीते हैं, पीने का साफ पानी नहीं, क्या करें बेचारे, प्यास से फौरन मर जाएंगे, कम से कम पी के बीमारी से 2-3 साल बाद मरेंगे, 6 महीने बाद मरेंगे, मर रही हैं उनको, और ये स्टेट की जिम्मेदारी है, पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, क्योंकि पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है बलूचिस्तान। आप वहां से गैस लेते हो, आप वहां से कॉपर लेते हो, आप वहां से कोयला निकालते हो, आप वहां से और भी कई सारी चीजें निकालते हो, बदले में कुछ नहीं देते आप वहां के, कुछ भी नहीं देते आप, वरना आप बेचारे यूनिवर्सिटी के लिए तरस रहे होते, वो कॉलेज के लिए तरस रहे होते, साफ पीने के पानी के लिए तरस रहे होते, स्कूल के लिए तरस रहे होते, अस्पताल के लिए तरस रहे होते। ये हालत है, आप सिर्फ उनको लूट रहे हैं, बदले में कुछ नहीं दे रहे, इसलिए आग भड़की हुई। बात की जाए, एक तो हम बलूचिस्तान की अच्छी चीज़ों के ऊपर बात करें, और दूसरा वो चीज़ों पर बात करें कि जिसकी वजह से शायद लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो क्या समझते हैं कि अच्छी चीज़ें क्या है और बुरी चीज़ें क्या है, क्योंकि हमें दहशतगर्दी भी बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा नज़र आती है, ठीक है, हम आखिर उसको क्यों नहीं ख़त्म करते। वैसे तो हम कश्मीर फ़लस्तीन की बात करते हैं, लेकिन हमारे अपने जो मुल्क के अंदर है लोग इस तरह मतलब जो मौत होती है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे एज आ। खैर, मैंने सिक्योरिटी हिसाब से कभी भी रिसर्च नहीं किया, इस तरह से इस हिसाब से मैंने देखा नहीं है, समाजी और सियासी हवाले से हमने देखे हैं। तो सियासी अगर इलेक्शन हुए हैं हमारे, अभी रिसेंटली गुजरे हैं, तो वो हालात भी हमारे सामने हैं, बलूचिस्तान के जो नुमाइंदे हैं किस तरह सेलेक्ट होके असम्बली में आते हैं वो भी हमारे सामने हैं, हम देख रहे हैं उनको। अभी क्वेटा में PB-46 में सरदार अहमद ख़ान शाहवानी जीत चुके थे, अच्छा 1700 समथिंग वोट ली के जीत चुके थे, क्योंकि उस एरिया में टर्नआउट कम था। बिल्कुल। तो एक और बंदा दरमियान से आगे, वो भी है बलोच है, तो उस 300 वोट लिया था उसे उन्होंने, वो आके जीत गए आरओ ने उसे, पहले 47वां में से मिले थे, रात को 4 बजे दूसरे बंदे को 47वां मिल गया। अब वो सरदार अहमद ख़ान शाहवानी उसे हराया गया, इस तरह दूसरा जो एक और था वडेरा फतेह महमद, शायद मुझे नाम क्लियर नहीं है, BNP मेंगल के शायद वो थे उम्मीदवार थे, ये सरदार अहमद ख़ान जमीयत की JUI के उम्मीदवार। जब आपके बलूचिस्तान के इलेक्शन थे 8 फरवरी की अगर बात की जाए, तो मैं बलूचिस्तान के अंदर मौजूद था, आपके सारे रोड भी बंद रहे थे, क्योंकि मैंने उसके अगले दिन आना था वापस, और तकरीबन 2 से 3 दिन एहतजाज चलते रहे। वो रोड की अगर बात की जाए, वो क्वेटा से जो एक वो रोड जाता है, मुझे शायद उसका नाम जहन से निकल गया, तो वहाँ पर बड़े प्रोटेस्ट चलते रहे। तो क्या कहना चाहेंगे हम दरियाब रोड पर, सरयाब रोड पे, और मुझे बड़े लोगों ने रोका कि अगर आप सरयाब रोड पे जाएंगे तो शायद वहाँ पे अटैक भी बहुत होते हैं और वहाँ पे हालात भी बहुत ख़राब होते हैं। बस यही हालात हैं, जो आवामी मैंडेट होती है या आवामी राय होती है उसकी कदर हो, अच्छा हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं। हम बलोच अभी हाल ही में शायद 7 या 8 पंजाबियों को उतार कर उन्होंने मार दिया है कि नहीं। अब देखिए, मैं भी कहता हूँ कि पाकिस्तान जो है ना वो खुद कर देता है कहीं और पे, और जब उसके यहाँ होता है तो कहता है जी देखो जी ये हो गया हो गया। कश्मीर में आप मासूमों को मरवाते हो ना, आम नागरिकों को मरवाते हो, जो बेचारे वहाँ पे छोले कुलचे बेचने वाला है, जो रेड़ी पर पानी पूरी बेच रहा है गोलगप्पे, उनको गोली मरवा दी आपने आतंकवादियों से, और ये करवा दिया वो करवा दिया, पाकिस्तान कर रहा, सब सब जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, सबके सबूत हैं,
हम सब सबूत पेश करते हैं तभी तो आपके खिलाफ कार्रवाई होती है। वही काम जब बलूचिस्तान में होता था, अरे हाय दहशतगर्दी, इंडिया का हाथ है, तो अरो ने कराया, तो ये कराया, वो कराया। तो देखो जी, जिस तरह का गेम आप खेलोगे ना, बाकी लोग भी गेम वैसे ही खेलेंगे। और ये तो आपकी आपसी दुश्मनी है, आपने बलोच पर, बलूचिस्तान पर कब्जा किया, बलोच आपके खिलाफ है और मरते दम तक खिलाफ रहेंगे। आप बलोचों को इधर मारते हो, वो आपके बंदों को मारते हैं, पंजाबियों से उनको चिढ़ है, इसलिए ठोक दिया 7 पंजाबी मजदूरों को। तो भैया देखो, इज्जत पाने के लिए आपको इज्जत देनी पड़ेगी, आपको बलोचों की बात सुननी पड़ेगी, आपको बलोचों का हक देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सब उधर से लेकर सब इधर पंजाब में लगा दे, पंजाब के लोग गैस से खुश, पंजाब के लोग सामान से खुश, वहां पे सब कुछ नहीं, ना यूनिवर्सिटी, ना कॉलेज, ना अस्पताल। तो अगर आप उनकी बात नहीं सुनोगे, उनका हक नहीं दोगे, तो प्रॉब्लम आती रहेगी और ऐसा होगा और ये और तेज होगा। देखिएगा, जब तक डेवलपमेंट नहीं कर पाते, जब तक उसके इंस्टीट्यूट जो होते हैं ना, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते, इंस्टीट्यूट की प्रॉपर फंक्शनलिटी तभी आएगी। मैं वही सवाल आपसे भी रिपीट करता हूँ जो मैंने भाई से किया था, सर आपका ये जूस भी गर्म हो जाएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है। सर मैं सवाल वही आपसे रिपीट करता हूँ कि आखिर एक टाइम तक रियासत कल्लात की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा अमीर रियासत थी, और आज क्या ऐसे हालात आ गए कि वही रियासत जो है वो पाकिस्तान का सबसे मतलब जो गरीब सूबे में कंसिडर किया जा रहा है। देखिए, ये होता है कि मैं इस चीज़ को इस तरह से देखता हूँ कि एक्सट्रैक्शन जो होती है ना, आपके हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं, हम उनको यूटिलाइज़ किस तरह से कर रहे हैं और हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हम किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। और जब हम चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करेंगे ना, मतलब हमारी प्रायोरिटाइज़ अगर एजुकेशन हो जाए, हेल्थ हो जाए और लोगों को फैसिलिटेट करना हो जाए, तो वो लोग खुद ब खुद इन चीज़ों पर आएंगे। अभी तक हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन में बहुत पीछे हैं। वहीं पे अगर हम इंडिया देखें, इवन दो हम बांग्लादेश को देखें, तो 1971 के बाद कुछ ही अर्सा हुआ है बांग्लादेश को बने हुए, तो वो बांग्लादेश जो आज टेक्नोलॉजिकली GDP उसकी और इकोनॉमिक जो उसकी ग्रोथ है वो हमसे ज़्यादा बेहतर है। इवन दो इंडिया भी इसी तरह से काम कर रहा है, हमें अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज करनी पड़ेंगी। सर, आप क्या समझते हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट है, अगर आपसे सवाल करना चाहिए, क्योंकि बलोचिस्तान के जो स्टूडेंट हैं, बलोच स्टूडेंट बड़े इंटेलिजेंट है, ये तो मैं जानता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में खुद पढ़ चुका हूँ, तो हमारे जो भी बलोच स्टूडेंट होते थे वो बड़े इंटेलिजेंट होते थे। तो मुझे ये बताएं, अगर हिस्ट्री की बात की जाए, बांग्लादेश, हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही खिता था, फिर दो खितों ने कैसे तरक्की कर ली और एक पाकिस्तान कैसे पीछे से पीछे है, क्या समझते हैं, क्या गलतियाँ हुई? या यार बेसिकली मैं हूँ सिंध से, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन एक जनरल क्वेश्चन है, इसको पीछे ये हम कह सकते हैं कि मैं अगेन वही बात करूँगा कि हम रिजेंबल नहीं थे तरक्की की तरफ, और हमने जो है ना, मतलब वो जो कहते हैं ना कि हम हिस्ट्री में कभी कभी हम पढ़ते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर टू लगी तो उसके बाद जो थे कि ब्लॉक किस तरह से बने, वर्ल्ड वॉर वन के बाद भी यही हुआ कि ब्लॉक सिस्टम बन गया, तो आज़ादी के बाद भी हमारा जो ब्लॉक था ना वो हम पे थोड़ा भारी पड़ गया, यानी कि हमसे गलती फिर ब्लॉक चुनते वक्त गलती हो। हाँ, तो उसके बाद हमने मतलब अपनी सियासत को या अपनी पॉलिटिक्स को ना बहुत कंजेस्टेड कर दिया है, उसमें हमने नौजवानों को हम मौका नहीं दे रहे हैं बेसिकली सियासत करने का, उनको हम स्पेस नहीं दे रहे हैं। अगर हम उनको स्पेस दें और एजुकेशन पॉलिसीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। आप किस जगह से हैं? मैं खैरपुर से हूँ। यार, हमने सुना है कि सिंध की अगर बात की जाए तो वहाँ पे अगर हम दूसरे रिलीजन्स की बात करें तो जैसे हिंदू कम्युनिटी या बाकी कम्युनिटी बहुत रहती है, तो क्या समझते हैं, हमने बड़ा सुना कि मतलब जो हिंदुओं के साथ उस तरह से होता रहा है कि उनको प्रॉपर तौर पे राइट्स नहीं मिलते रहे, तो ऐसा आप क्या, कोई आपका कभी जाना हुआ ऐसा हुआ या कभी? यार मैं जिस मोहल्ले में मतलब पैदा बड़ा हुआ हूँ, जिस मोहल्ले में मैंने अपनी ज़िंदगी के 16 साल गुजारे, तो उस मोहल्ले में मेरे घर के पास ही एक हिंदुओं का घर है, हम होली भी साथ मनाते हैं, दिवाली भी साथ मनाते हैं, हर त्यौहार साथ मनाते हैं, इवन शिवरात्रि, जो भी हिंदुओं के त्यौहार हैं हम सब साथ मनाते हैं। तो हमारे यहाँ मतलब ये है कि बेसिकली कुछ लोगों जगहों पे और कुछ लोग जो होते हैं वो इंतशार का शिकार हैं, और वो इंतशार पता नहीं उनके पास कहाँ से और किस वजह से आ रहा है, ये भी आप भी समझदार हैं, तो ये उस वजह से हो रहा है। उसके अलावा हमारे मेरे सबसे ज़्यादा दोस्त हिंदू हैं मेरे साथ, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरे दोस्त हिंदू रहे हैं, मोहल्ले में मेरे दोस्त हिंदू रहे हैं, वहाँ पे खैरपुर की मार्केट जो है, जो खजूर की पेड़ होती है, वो सबसे ज़्यादा हिंदू लोग करते हैं, वो इतनी कामन है और लोग वहाँ पे एक दूसरे के साथ बड़े खुश मिजाजी से रहते हैं। इवन ऐसे नहीं कि सिर्फ हम हिंदुओं के त्यौहार मनाते हैं, वो भी हमारे साथ ईद मनाते हैं, सारे हमारे त्यौहार मनाते हैं, खुशियों में साथ होते हैं, गम में साथ खड़े होते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। बाकी ये कि थोड़ा चीज़ों को चेंज करना चाहिए, वक्त के साथ साथ रिलीजियस जो हारमोनी है उसको मज़ीद बढ़ाना चाहिए।
खास तौर पे अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो 80 की दहाई से शायद हमें कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ानी शुरू कर दी थी जिससे इंतशार शायद ज़्यादा फैला। जब तक हम अपने सिलेबस को, जो भी हमारा करिकुलम होता है ना, जब तक हम उसको आज़ाद नहीं रखेंगे ना, तो हमारे बच्चों की मैंटलिटीज़ जो है ना वो बड़ी रिजिड रहेंगी, और हमें उसको थोड़ा लिबरलाइज भी करना चाहिए और उसको थोड़ा बेहतर बनाना चाहिए, अप टू डेट करना चाहिए। हमारे अगर बात की जाए तो कल शायद, अभी तो कितना अपडेट हुआ है ना, अभी आपके यहाँ सिलेबस अपडेट हुआ है, पिछले साल की आपके ही अखबार की रिपोर्ट है, स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, जिसमें बताया गया है कि माइनॉरिटीज के खिलाफ आपकी टेक्स्ट बुक्स में कंटेंट को बढ़ा दिया गया है। हिंदी में इसको समझाऊं, आसान भाषा में समझाऊं, तो आपके जो स्कूल की किताबें हैं उनमें जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ बातें ज़्यादा लिख दी गई हैं जिससे ज़्यादा नफरत फैली। आप सोचो, आप जो किताब पढ़ रहे हो उसमें पहले एक चैप्टर था, अब चार चैप्टर कर दिए गए कि हिंदू तो जी बेकार होते हैं, हिंदू तो जी गंदे होते हैं, हिंदू तो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, काफिर हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, काफिर जहाँ मिले उसे मार दो, ये कर दो, वो कर दो, उनको कन्वर्ट करा दो, उनको इस्लाम में ले आओ, उनको इस्लाम की दावत दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तो जो बच्चा शुरू से ये पढ़ेगा वो तो यही काम करना शुरू कर देगा और कहेगा कि यही सच है, यही सही तरीका है, और उसको आप समझाते रहिए कि भैया ये गलत तरीका है, ये गलत चीज़ है, लेकिन वो नहीं मानेगा। और ये हो रहा है, रोजाना सिंध से खबरें आती हैं कि लोगों को कन्वर्ट करा दिया गया, नाबालिग बच्चियों को कन्वर्ट कराया जा रहा है, नाबालिग बच्चियां उनको कन्वर्ट कराया जा रहा है, बड़े बूढ़ों से शादी कराई जा रही है, और ये सिर्फ साजिशन हो रहा है कि ना हिंदुओं की लड़कियां रहेंगी, ना वो बड़ी होंगी, शादी करेंगी, बच्चे पैदा होंगे, उसके पहले उसको मुसलमान कर, वो मुसलमान बच्चे पैदा करें। और ये मैं नहीं कह रहा, सैयद मुजम्मिल शाह हैं आपके यहाँ के बड़े एंकर हैं, नामी गिरामी, वो कह चुके हैं कि सिर्फ लड़कियां ही क्यों, सुनिए। तो 2% पॉपुलेशन है सिर्फ हिंदूज की पाकिस्तान में, और उससे खौफजदा इतने हैं कि आपको लगता है कि बस इनको भी हम अपने जैसा बना लें। मुझे मर्दों का नंबर दिखाएं ना सिंध के अंदर, कितने हिंदू मर्द हैं जो कि अपनी मर्जी से हर साल हजारों की तादाद में अपना फेथ चेंज कर रहे हैं, जीरो। लेकिन सारी की सारी आपकी जो दावत है वो अंडर एज खवातीन पे कैसे इन्वेस्ट हो रही है, इसका जवाब कौन देगा? तो यही है हकीकत, लड़कियों की नस्ल खत्म कर दो हिंदुओं की, हिंदू अपने आप खत्म हो जाएंगे, या तो छोड़ के भाग जाएंगे नहीं तो खत्म हो जाएंगे। अभी CAA के तहत कई पाकिस्तानी हिंदुओं को यहां की नागरिकता मिली है, उनमें दो लोग और थे, एक बच्ची भी थी, उन दोनों की बातें मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जो कुछ भी उन्होंने कहा है कि भारत के नागरिक बनने के बाद उनको क्या फील हो रहा है और क्या उन्हें पाकिस्तान में फील नहीं हो रहा था, सुनिए। लास्ट क्या कहते हैं 12-13 साल से और हम दिल्ली मजनू के टीले रह रहे हैं जी। सर ड्रीम कम ट्रू वाली फीलिंग है, मतलब दिल बहुत खुश है कि नया जन्म हो गया, लाइक नया बॉर्न हो गया, मतलब कि बहुत खुशी है इस चीज की, नागरिकता मिली है हमें। सर हमें आज नागरिकता मिली है तो बहुत अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान में हमें बहुत दिक्कतें थी, मतलब हम लड़कियां वहां पढ़ नहीं पाती थी और घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, मतलब निकलना था तो भी हम बुर्का पहन के निकलती थी वहां मुसलमानों का वो करके। ये है सच्चाई, आप लोग सिस्टमेटिकली साजिशन वहां के माइनॉरिटीज को खत्म कर रहे हैं। उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो छोड़ के भाग जाओ, मर जाओ, या इस्लाम कन्वर्ट कर लो, यही हो रहा है। जिनके पास थोड़े बड़े पैसे हैं कुछ भाग कर निकल जा रहे हैं वो निकल जा रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो मजबूरी में इस्लाम कबूल कर लो, क्या करें, जान बचानी ज्यादा जरूरी है। शायद सेनेट के अंदर ना एक जो है अमल वली खान साहब है, तो उन्होंने शायद ये एक बात की थी कि मतलब सेनेटर है, उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट के हमें जो शायद हिस्ट्री पढ़ाई गई है वही गलत पढ़ाई गई है, तो आप क्या समझते हैं ऐसा कुछ था कि नहीं? उन्होंने तो मशरती आलूम की बात कर दी कि हमें वो जो पढ़ाई गई है वही गलत पढ़ाई गई है, क्योंकि आप तो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं यार। बेसिकली ये होता है कि दो चीज़ होती है ना, जब किसी भी रियासत में आप रहते हैं ना, तो हमारा उस्ताद है इरफान भाई दोस्मानी साहब, वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि एक कौम के जो हीरोज़ होते हैं ना दूसरी कौम के विलन होते हैं। अच्छा। मतलब अगर हम यही चीज़ देखें तो फिर इसी तरह से होता है, जब आप हम अपनी कौम का एक नज़रिया बनाना चाहेंगे, जब हम एक कौम को कौम बनाना चाहेंगे ना, तो कभी भी किसी कौम की हिस्ट्री 1 साल की, 10 साल की, 70 साल में हिस्ट्री नहीं बनती। हिस्ट्री बनने में 100 साल से ज़्यादा वक्त लग जाता है, एक बड़ा अरसा लगता है किसी कौम की हिस्ट्री बनने में।
तो उस हिस्ट्री में फिर ये ऊंच नीच आ जाती। क्या आपने हिस्ट्री के स्टूडेंट है, क्या आपने कोई भगत सिंह की या जैसे राजगुरु या वो थे उनकी कोई हिस्ट्री पढ़ी थी या नहीं हमें? क्योंकि आम तो अगर हम मशरती उलूम या आम अपनी किताबों में करें तो उनका जिक्र बिल्कुल। यार ऐसे होता है कि जब हम बीएस लेवल पे हिस्ट्री करते हैं और फिर हम जब गवर्नमेंट कॉलेज से हिस्ट्री करें ना, तो फिर एक अलग पर्सपेक्टिव में आप हिस्ट्री पढ़ते हैं। उसमें ये होता है कि मतलब हम चीज़ों को प्राइमरी सोर्स से ज़्यादा कंसल्ट करते हैं, और एक जो बच्चा जो इंटर तक हिस्ट्री पढ़ रहा है ना, उसकी पढ़ने का हिस्ट्री समझने का अंदाज़ मुख्तलिफ होगा। बेसिकली हमें जो ट्रेंड किया जाता है वो इस तरह से ट्रेंड किया जाता है कि आप खुद आपको आगे चल के हिस्ट्री लिखनी है। एक बेसिकली जो हमारी यूनिवर्सिटी का भी मोटो ये है कि आप एक अकेडेमिक पर्पज़ के साथ हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, उसमें हमें अक्सर बहुत सारी चीज़ें खुल के और मतलब वाज तौर पर पढ़ाई जाती हैं, जिस तरह से वो हैं, जिस तरह से माजी में जो इवेंट्स हुए हैं तो उनको उसी तरह से पढ़ाया जाता है। उसमें हमने भगत सिंह और इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की हिस्ट्री पढ़ी है, बल्कि बरे सगीर की जो पार्टीशन की जो हिस्ट्री है वो सारी हिस्ट्री हमने पढ़ी है, और उसके साथ साथ ये भी पढ़ा है कि मतलब एंशियंट मिडिवल इंडिया और ये सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री, पाकिस्तान कल्चर, तो इन चीज़ों पे, और सबसे ज़्यादा हम शायद हमने कल्चर की हिस्ट्री पढ़ी है। तो मतलब एक सोसाइटी क्या समझते हमारा कल्चर ये सारा सेम नहीं था? यार कल्चर तो सेम होता है, मगर ये होता है कि वो कल्चर डिफरेंट कैसे बना। अब फिर अगर हम इस बात पे आएंगे तो हमें और भी बहुत सारे सवाल होंगे ना कि ये कल्चर इवन डिफरेंट क्यों बना, ये कल्चर डिफरेंट हुआ कैसे। यहाँ के लोग आज भी अगर हम देखें तो यहाँ के लोग और इंडिया के लोग कल्चरली सिमिलर हैं, उनके खाने पीने के अंदाज़ बहुत सिमिलर हैं। वहाँ पर भी आप जाएँ आपको बिरयानी बड़ी टेस्टी मिलेगी, यहाँ पर भी आपको वही चीज़ें मिलेंगी, फूड सेम है, कल्चर सेम है, थोड़ी बहुत चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, मगर सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना, जो क्या समझते हैं कल्चर सेम था, लैंग्वेज एक दूसरे की समझ आती थी, फिर हमने चाइना को अच्छा दोस्त क्यों बना लिया, इंडिया को क्यों अपना दुश्मन समझ लिया? ये मैं कहूँगा कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो कंसर्न्स होते हैं ना हमारे, वो बड़े मैटर करते हैं। और शायद करीब तो हम बांग्लादेश की भी नहीं है जितने शायद चाइना के हो गए, तो क्या समझते हैं शायद? मैं समझता हूँ कि इसमें हमारा इकोनॉमिक मोटिव ज़्यादा है चाइना के साथ, इसकी वजह से। अगर वही सेम इकोनॉमिक मोटिव हम इंडिया के साथ रख लें, अगर हम कश्मीर पीस पॉलिसी पर आ जाएँ, तो शायद हमारे मसले बहुत सारे हल हो सकते हैं। इंडिया बड़ा नेबरिंग कंट्री है और लोग भी सिमिलर हैं, तो हम सबसे ज़्यादा बिजनेस भी कर सकते हैं उसके साथ, ट्रेड कर सकते हैं। आजकल दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है वो, सबसे ज़्यादा आप दुनिया की किसी भी चीज़ में, चाहे वो न्यूज़ हो, किसी भी जगह पे आप डिस्कस कर ले तो हिंदुस्तान का जिक्र ना आए, ये मतलब डिस्कस हो रहा होता है माशियत उनकी और साथ। बेसिकली ये ना कि हिंदुस्तान जो है वो, मुझे बेसिकली खुद को ये लगता है कि वो मुस्तकबिल में एक बड़ी जो है इकोनॉमी बनने जा रही है, और शायद ये हो सकता है कि चाइना के बाद सबसे दुनिया में पावरफुल इकोनॉमी जो है वो इंडिया हो। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमें बेहतर बनाने चाहिए अपने रिलेशंस इंडिया के साथ। लास्ट सवाल करके टॉपिक बड़ा मुश्किल है सर, इतना सोचा होता ना अगर, तो 76 ईयर्स में या भारत के खिलाफ नफरत अपने बच्चों के जहन में नहीं भरते, और जनरेशन दर जनरेशन वो नफरत और ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड ना कराते, और ज़्यादा उसमें चीज़ों को एड ऑन नहीं करते। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि पिछले साल की रिपोर्ट आई है जिसमें माइनॉरिटीज़ के खिलाफ कंटेंट को बढ़ाया गया आपकी किताबों, आप करना नहीं चाहते ऐसा, आप उसी नफरत की भाषा समझते हैं, आप उसी में कंफर्टेबल हैं, आपको लगता है कि नफरत से ही सब काम हो जाएगा। हमने वो चीज़ बंद कर दी, हमने आपके साथ कनेक्शन धीरे धीरे काटने शुरू कर दिए, हम कनेक्शन नहीं रखना चाहते, ना ट्रेड का कनेक्शन, ना पॉलिटिकल कनेक्शन, ना पीपल टू पीपल कनेक्ट हम नहीं रखना चाहते, हम मूव ऑन कर चुके हैं। हम आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, जापान को बहुत जल्दी हम पीछे छोड़ने वाले हैं, जापान अभी नंबर 4 पर है, हम नंबर 4 पर पहुंच जाएंगे इकोनॉमी के लिहाज से, और ये छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट, और बहुत जल्द हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। यह पाकिस्तान को सोचना है, पाकिस्तानियों को सोचना है कि नफरत पालकर, नफरत लेकर, हमने जंग लड़कर हमने अपने आप की कितनी तबाही और बर्बादी की है। आज इकोनॉमिक तरीके पे आप कहां पर खड़े हैं, आपके यहां बेरोजगारी की हालत क्या है, आपके यहां रहने लायक हालात हैं कि नहीं, इन सवालों के जवाब आप मुझे मत दीजिएगा, अपने आप को दीजिएगा कि दुनिया कहां चली गई है और आप कहां पर हैं, दुनिया में एजुकेशन कैसी पढ़ाई जा रही है, आपके यहां कैसी पढ़ाई जा रही है, दुनिया में यूथ क्या कर रही है, आपके यहां यूथ क्या कर रही है। अभी जम्मू कश्मीर से खबर आई है, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, वहां का एक स्टूडेंट, वहां के एक रिसर्चर है शायद, नासा ने उनको बुलाया है, उन्होंने सिक्योरिटी में कुछ बग्स ढूंढे हैं और कुछ किया है,
हमारे जम्मू कश्मीर का बंदा, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में पढ़ाई का लेवल वैसा है, हमारे जम्मू कश्मीर में जैसी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कॉलेजेस हैं, जैसे स्कूल्स हैं, आपके पूरे पाकिस्तान में नहीं होंगे। मैं बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया की बात ही नहीं कर रहा, अकेला जम्मू कश्मीर का एजुकेशन सिस्टम, वहां का हेल्थ केयर सिस्टम आपके पूरे पाकिस्तान पर भारी है, वहां का इंफ्रा आपके पूरे पाकिस्तान पर भारी है। तो यह आपको तय करना है कि आपको डेवलपमेंट की राह पकड़नी है या डिस्ट्रक्शन की राह पर, जिस पर आप चल रहे हैं आप उस पर चलते रहेंगे, तय आपको करना है। और टाइम बहुत कम बचा है आपके पास, टिक 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 तेज हो गई। बाकी जो बलोच स्टूडेंट्स और ये सिंध वाले भाई साहब, इनका सोचना था बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी सोच है, और वो जानते हैं, वो खुलकर अब बात नहीं कर सकते क्योंकि लाहौर में बैठे हैं, उनको अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, करियर बनाना है, तो खुलकर बात नहीं कर सकते। लेकिन वो भी जानते हैं कि प्रॉब्लम की असल जड़ जो है वो पाकिस्तान है, चाहे वो सिंध हो चाहे वो बलूचिस्तान, ये पंजाबी पाकिस्तानी हैं जो प्रॉब्लम की जड़ है। आप बताएं आप क्या कहते हैं वीडियो पर, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जो दोस्तों वीडियो हो गई खत्म, जितना टाइटल था ना, वो दोनों जो स्टूडेंट्स थे ना, एवरेज से मुझे लगे बातें, मतलब ना मज़ा नहीं आया। मतलब जिस तरह कड़ाकेदार उनका बयान होने चाहिए थे ना, उन्होंने हिस्ट्री को थोड़ा सा टच किया, थोड़ा सा कला, मतलब हिस्ट्री के साथ बातें की, वो किया। मतलब एक आदमी जब इंटरव्यू दे रहा होता है, जब उसके अंदर के जज्बात होते हैं, क्योंकि सारी बातें बलोचिस्तान के लोगों पर बड़ा ही उनके साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, तो उनके जो जज्बात होने चाहिए थे ना दो स्टूडेंट्स के, वो मुझे जज्बात इतने अग्रेसिव नहीं थे। यह भी उसका डर भी हो पाकिस्तान स्टेट का क्षेत्र बोल रहा हूँ, तो इतना ज्यादा डर नहीं है वहां रखते। अच्छा 85% बलूचिस्तान के अंदर लोग, अगर ये डाटा सच है तो बहुत जुल्म है, 80% लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर है बलूचिस्तान के अंदर। 80% तो पिछड़ा ही नहीं। सिंध में, सिंध का तो मुझे पता है कि ऐसे वहां पर अभी तक कोई इलाके हैं जहां पर साफ पानी पीने के लिए है ही नहीं। कुछ दिन पहले हमारी रेस्क्यू की टीमें वहां पर गई थी, वो पानी जो है ना वहां पर पहुंचाए, देख लें कि अब पानी, बाकी डेवलपमेंट तो एक साइड पे रहेगी, पीने के लिए पानी हमारे पाकिस्तान में बाद ऐसे इलाके हैं, स्टेट्स हैं वहां पर नहीं है, तो हम पानी, हमारी गवर्नमेंट है वो सादा पानी जो है वो साफ पानी नहीं लोगों को पहुंचा सकते। तो इतनी इतनी बड़ी बातें, इतने बड़े बड़े दावे करना, तो ये तो उनके मुंह पर तो एक तमाचा है किस्म का कि आप पानी तो पहुंचा नहीं सकते। जिस तरह के थरपारकर है, चोलिस्तान है, और इस तरह के और भी काफी जो शहर हैं, जो इलाके हैं जहाँ पर पानी नहीं है। और बलोचिस्तान की बात है तो बलोचिस्तान आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सॉरी रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा जो है ना सूबा है, तो वहां पर। अच्छा जो हिंदुओं के खिलाफ या मिनोरिटी स्पेशली, जो पॉइंट आउट नहीं करता, मिनोरिटीज के खिलाफ जो पाकिस्तान की बुक्स के अंदर कंटेंट है, ये तो मैंने भाई मैंने भी पढ़ा है, मैंने पढ़ कर आया हूँ। पीएस पाकिस्तान स्टडी जो हमारी बुक थी उसमें पढ़ा था कि हिंदू धोखा देते हैं, हिंदू जो है वो कभी मुसलमान के दोस्त नहीं रहे, इस तरह की बातें मैं खुद ऐसी थी जो मैं खुद पढ़ कर आया। तो डॉन न्यूज़ की भी देखे लोग साहब ने वो एक आउटरीच लगा दिया था। ये बताएं आपने बात तो कर दी है, इसमें सच्चाई कितनी है, झूठ कितना वाला हुआ है, नहीं सच्चाई तो ढूंढनी चाहिए। मेरी बात सुनिए, जब 1920 में तरीके खिलाफत चली थी तो उस वक्त महात्मा गांधी ने मुसलमानों का साथ दिया, वो तो उन्होंने दिया था ना, दिया था, मेरी बात सुनिए, हिंदुओं ने दिया था हमारा, तो वो कौन थे, हिंदू थे ना, आप समझ रहे थे, मैं तुम्हें समझाता हूं, मैं भी नहीं समझ रहा, एक बार समझाता, मेरी बात सुनिए, वो भी हिंदू ही थे ना, तो हमारी किताबों में क्या लिखा जाता है कि हिंदू मुसलमानों के कभी सगे नहीं हो सकते, ये धोखा देते हैं। तो यहाँ पर भी तो महात्मा गांधी ने किया था, तो वो भी धोखे लिख देना था, उन्होंने अगर कुछ किया है तो उनके बारे में क्या लिखा हुआ, महात्मा गांधी जी उनका एक नाम अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, और बकायदा जो उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या क्या चाहते हो, यानी कि मैं ये हमारी बुक्स में लिखा है वो सच है, वो तकरीबन 80% जो है ना सच है, वो हकीकत है जो उसमें लिखा हुआ, धोखा देते हैं ये वो करते हैं। कहा धोखा दिया तुमने, भाई धोखा बिल्कुल, जब अंग्रेज यहाँ पर था ना तो उस वक्त इन्होंने वाकई धोखा दिया मुसलमान, कहाँ पे, किस, कैसे मुसलमान, फॉर एग्जांपल दो,
मिसाल तो नहीं, मैं तो कहता हूँ धोखा आपने दिया हुआ है। किन को? नहीं, आप देख लें कि अपनी आवाम को आपने धोखा दिया हुआ है। बात कुछ और होती है। एक सेकंड, आप जितनी भी जंगें हुई हैं इंडिया के साथ आप सारी आ रहे हैं, लेकिन किताबों में आपने लिखा हुआ है कि आप जीते हुए हैं। अवाम को आप बेवकूफ बना रहे हैं, अवाम को आप लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हम जंगें जीते हुए, हालांकि 93,000 जो है वो आपके उन्होंने सरेंडर किया है। ये आपने अपनी किताब में लिखा हुआ है, किसी एक किताब में? मेरी बात 1971 की जो बाहर है वो भी भाई, जो पॉलिटिशियंस है वो कहते हैं हमारी स्टैब्लिशमेंट ने करवाया, स्टैब्लिशमेंट कहती है पॉलिटिशियंस की वजह से हुआ है। तो मानते तो आप यहां पर भी नहीं है, आप धोखा तो आप अपनी आवाम को दे रहे हो। आप कह रहे हो कि वो हिंदू देते हैं धोखा, आप धोखा नहीं अपनी आवाम को दे रहे कि आपने अपनी बुक्स में शुरू से ये लिखा हुआ है कि आपने चार जंगे की हैं, चारों जंगे जो है ना वो इंडिया ने स्टार्ट की हैं और चार में से दो जंगे जो है ना वो हम जीते हुए हैं, हालांकि जीते हुए हम एक भी नहीं है। देखें, अगर ये सच है कि हम पाकिस्तान वाकई सभी वक्त जो है वो हारा हुआ है, तो बुक्स में ये लिखा हुआ है कि हम जीते हुए हैं, तो फिर तो झूठ है। और हमें हमारी गवर्नमेंट ने या हमारी आर्मी ने, एस्टेब्लिशमेंट में सब ने हम आवाम को धोखा दिया। अच्छा ये मुझे बताएं, ये भी एक बड़ा अच्छा सवाल है कि सिर्फ हिंदू लड़कियों को क्यों, मतलब उनकी जोर जबरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है, लड़कों को क्यों नहीं होता है? आप हिंदू लड़कों को अपनी बच्चियों के लिए पेश करते हैं, दूसरे लफ्जों में हिंदू उसे उनकी जो आने वाली पीढ़ी है वो चेंज हो जाएगी। हाँ चेंज करना चाहते हैं ना वो, नहीं लड़कियां अगर ये लाएंगे ना तो इनसे तो अपनी नस्ल इनकी चलेगी मुसलमानों की, या जो जिस तरह भी वो जिससे उसकी शादी करेंगे। अगर वो जो लड़कियां हैं अपनी देंगी ना उधर, तो वो तो हिंदुओं की आगे नस्ल पड़ेगी, इस वजह से वो लड़कियां उधर नहीं देंगे, उनका ब्याह नहीं करेंगे उनसे, ये रीजन है। समझ आई कि नहीं? आ रही समझ। अच्छा फिर बात आई, हाँ वो जो एक इंटरव्यू आया दो एक लड़की का, जो इधर से हिंदू पाकिस्तान से उठ कर गए हैं इंडिया के अंदर, और उनको CAA के तहत, यानी कि CAA के तहत उनको उधर की नागरिकता यानी कि उधर की नेशनलिटी मिल गई है, और इस पर वो मतलब देखिए कितना खुश हो रहे हैं, मतलब खुशी से उनके आंसू निकल रहे हैं। तो अगर आपका मुल्क इतना अच्छा होता है, वो इधर से छोड़ कर क्यों जाते हैं? अगर छोड़ के फिर चले भी गए तो उनको उधर की, अगर CAA, पहली बात तो हम CAA के खिलाफ बड़े पाकिस्तान के अंदर कि यार ये तो मुसलमानों पर जुल्म है, ये वो है, ये एक डिस्क्रिमिनेशन है, तो डिस्क्रिमिनेशन तो है नहीं। तो ये उसी CAA के तहत जो हिंदू पाकिस्तान से हिंदू गए हैं उनको उधर तहफ़ मिल गया, वो रो रो कर खुशी से रो रो कर इंडियन गवर्नमेंट का थैंक्स बोल रहे हैं, और पाकिस्तान से जान छुड़ा, वो लड़की तो बोल रही थी हमें बुरके से पहने बगैर बाहर नहीं निकले दिया जाता था। मुझे नहीं लगता ऐसा है, ये गलत बात है। अब देखें नैला शाला सना, हजारों करोड़ों लड़कियां पाकिस्तान में ऐसी जो बगैर बुरके के, बल्कि हम आज दो चार ऑफिस फिर कर आए हैं, ऑफिस फिर कर आए दो, उनमें कमों बेश मेरे ख्याल में सिर्फ एक लड़की थी जो मतलब जिसने बकायदा हिजाब किया होता, सिर्फ एक लड़की, और मेरे ख्याल में 20-30 लड़कियां थी जो बगैर हिजाब के, हिजाब तो छोड़ दुपट्टा भी सर पर नहीं था, हिजाब तो बड़ी दूर की बात है, दुपट्टा भी नहीं था, और इतने मैं यार क्या इस पर आपको तशरीह करूँ। तो अगर जो पाकिस्तान के अंदर भाई मैं जिस एरिया में रहता हूँ, मैं अगर अपने गाँव के बाद इधर अलहमदिल्ला शुक्र है कि इधर औरतें फिर भी कुछ लिहाज करती हैं, लेकिन जो हमारा फैसलाबाद शहर है जिस ऑफिस हैं, बैंक्स हैं, कोई भी सरकारी या गैर सरकारी दफ्तर है, उसमें ज्यादातर लड़कियां बगैर हिजाब के घूम फिर रही, कोई मसला नहीं, हिजाब वाली भी हैं दूसरी भी, यानी कि उनकी अपनी मर्जी है, उन पाबंदी नहीं है उन पर कोई भी गवर्नमेंट की तरफ, जिस तरह अफगानिस्तान में है ना, इस तरह पाकिस्तान में गवर्नमेंट से कोई पाबंदी नहीं, अफगानिस्तान में पाबंदी है कि आप बगैर बुरके के गांव के नहीं खेल सकते। हां जी, तो पाकिस्तान में ऐसे नहीं होनी चाहिए, मैं कहता हूँ होनी चाहिए, क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, नाम रखा हुआ इस्लाम, और फिर इसमें कानून भी इस्लाम, और इस्लामी जमहूरिया में कौन से कानून जो है वो पूरे किए जाते हैं? ईरान है, उसका नाम भी सेम, तो भाई वो कानून फॉलो करते हैं,
आप तो किसी हद तक एक माइनर था आप करते हैं जो आपके इरादा अच्छा हो जो अंदर का वो भी पाकिस्तान से गए हुए 300 वो ये इतनी तादाद बता रहे थे लोग सर जो CAA के तहत उधर हिंदू मतलब उनको नेशनलिटी मिल चुकी है अच्छा उधर उनको सेफ्टी मिल रही है तो सारी बात उनका अहतमाद बढ़ेगा यार यहाँ पे तो आप अपनी बात लगा लें मिनोरिटीज तो दूर की बात है मिनोरिटीज तो जलील हो ही रही है ना आप अपनी बात कर रहे हैं कि आप ही जलील हो रहे हो बिल्कुल हो रहे हैं आपके वोट का कोई हक है आपकी कोई राय है आप इस मुल्क के लिए कोई अगर बात करना चाहे आपको उठा लिया जाता है तो जब इतना जुल्म होगा तो जाहिर सी बात है जब एक जहन्नम से निकलकर बंदा एक अच्छी जगह पे जाएगा तो वो शुक्र अदा ही करेगा वो अपना सुख का सांस लेगा उधर जाकर तो खुशी का इजहार ही करेगा ना रोएगा तो नहीं रोएगा तो यहाँ पे जब यहाँ पे जलील किया जाता है मिनोरिटी उनके साथ भी ज्यादती होती है यहाँ मिलता नहीं गॉड ब्लेस यू।